हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 की ग्रामर पे चलेंगे अपन। संस्कृत ग्रामर पे चैप्टर फर्स्ट है, पठित अवबोधनम। मीन्स जो पढ़ा न गया हो, है ना, समझेंगे। जो पहले ना पढ़ा गया हो किसी घटना, किसी कक्षा, यात्रा आदि वृत्तांत को, उसी के लिए दिया गया है। जो सरल और सुबोध होता है ना, ठीक है, जो सरलता समझ में आ जाता है। उत्तर देने से पहले हमको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। गद्यांश के विषय में समझना है यदि से, तो 2 से 3 टाइम 4 टाइम पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद जो आंसर क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर भी उस गद्यांश से लेने पड़ेंगे। एक पद का उत्तर है, एक पद में देंगे, और पूर्ण वाक्य के उत्तर जो है वो पूर्ण वाक्य में देने होंगे, ठीक है। भाषिक कार्य है, उसमें कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी देने पड़ेंगे, और उत्तर जो देना है सटीक देना है, उससे जुड़ा हुआ हो, है ना। गद्यांश किसके लिए किया गया है, गद्यांश का एक नाम क्या होना चाहिए, ये सब चीजें जो भी क्वेश्चन है वो देंगे, फिलअप करेंगे। फर्स्ट जैसे ये पैसेज आपको दिख रहा है, इस पैसेज को 2 से 3 टाइम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन है, जैसे कहा मेघम लाल यति, है ना, तो ये एक पद में है तो एक पद में देंगे। तो कहा मेघम लाल यति पवनम, है ना, ये पवन आसमान के लाल यति। मेघ स्थान, मेघ का जन्म स्थान, मेघ का जन्म स्थान क्या है, तो सागर, सागर है ना। जैसे एक पद में उत्तर देंगे, फिर इसी पे सेकंड में है पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य में आंसर देंगे। ऐसे ही फिर निर्देशानुसार, निर्देश में जो कि क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे, ग्रामर से रिलेटेड है, संधि पूछ सकता है आपसे, समास पूछ सकता है, प्रत्यय कारक कुछ भी, तो आपको उसके बेस पे आंसर देना होगा, ठीक है। ऐसे अनसीन पैसे जाएंगे आपके एग्जाम पेपर में और उनके क्वेश्चन बने रहेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। तो और बच्चों नेक्स्ट जैसे और देख सकते हैं, जैसे ये बना है, ठीक है, ये भी पैसेज है। हमने पैसेज को पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा। पैसेज पढ़ने के बाद फिर जो उसके क्वेश्चन है, एक पद में है तो एक पद में आंसर देंगे, बहु पूर्ण वाक्य में है पूर्ण वाक्य में आंसर देंगे, और जो भी निर्देशानुसार है, ठीक है, इसको पढ़ करके और जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। ऐसे आपकी बुक में तो बहुत सारे पैसेज हैं, सीन पैसेज, सो आपको प्रिपेयर करना चाहिए घर पे, इनको होमवर्क के रूप में इनको कम्प्लीटली करना चाहिए एक दो बार, ठीक है। और यही आपके सारे जो अनसीन पैसेज, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है, सो आपको वो सॉल्व करना चाहिए। सो इसमें ध्यान देना चाहिए बच्चों कि जो पठन पठन की शैली पूरी संस्कृत में होनी चाहिए, ठीक है। पैसेज पूरा संस्कृत में है तो हम पढ़ के उसको संस्कृत में पूरे आंसर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका ये वाला चैप्टर भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट।